वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई आज अपनी 19th एनिवर्सरी मना रहा है। इस मौके पर मुंबई में आयोजित स्मृति समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज भारत का रिजर्व बैंक एक ऐतिहासिक पड़ाव पर है। एक संस्थान के रूप में आरबीआई आजादी के पहले और आजादी के बाद दोनों ही कालखंड का गवाह है। दुनिया में आरबीआई की पहचान उसके प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट की वजह से बनी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने रिजर्व बैंक के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, इस समय जो लोग आरबीआई से जुड़े हैं उन्हें मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। आज आप जो नीतियां बनाएंगे, जो काम करेंगे, उनसे आरबीआई के अगले दशक की दिशा तय होगी। यह दशक इस संस्थान को उसके शताब्दी वर्ष तक ले जाने वाला दशक है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे याद है जब मैं 2014 में रिजर्व बैंक के 80वें वर्ष के कार्यक्रम में आया था, तब हालात एकदम अलग थे। भारत का पूरा बैंकिंग सेक्टर समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा था। एनपीए को लेकर भारत के बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी और उसके भविष्य को लेकर हर कोई आशंका से भरा हुआ था। हालात इतनी खराब थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स देश की आर्थिक प्रगति को जरूरी गति नहीं दे पा रहे थे। हम सभी ने वहां से शुरुआत की और आज देखिए, आज भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया में एक स्ट्रांग और सस्टेनेबल सिस्टम माना जा रहा है।